आज ही ज्वाइन कीजिए स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा में जो है 8,000 के आसपास मेंबर्स हैं और डेली हम जो है बहुत सारी चीज़ें आपके शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल में। बहुत सारी इमेज शेयर करते हैं जैसे इस तरह से कुछ, उसके बाद जो है मैपिंग, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ये सब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, नोट्स, ये सब जो है हम उसमें शेयर करते हैं। 8,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा में। आज 20 मई 2020 हो चुकी है दोस्तों। जैसे कि आप येलो लाइन में देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है, यहाँ पे रिवाइज प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 विल बी अपलोडेड ऑन 5 जून 2020 आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन। जी हाँ, अगेन जो है यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो है नोटिफिकेशन जो है कब होना था सिविल सर्विस का एग्जाम वो आज डालना था, लेकिन इसको जो है फर्दर डेफर कर दिया गया है 5 जून 2020 तक। यानी 15 दिन का और टाइम मांगा है यूपीएससी ने सिचुएशन को असेस करने में। और ऑब्वियसली देश की सिचुएशन जो है केसेस की बहुत खराब है, काफी सारे केस बढ़ रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपनी डिस्कशन के बारे में। 5 जून 2020 को जो है नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग, किसका? सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का, ठीक है। इससे पहले जो है आपका सीएससी 2019 के इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं है, जितने भी सीएपीएफ या सीडीएस के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन एग्जामिनेशन की, जो है आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। 1 महीना ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब ये श्योर हो चुका है कि आपका एग्जाम जो है वो अगस्त में तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सिविल सर्विस जो है मेन प्रायोरिटी है यूपीएससी की, ऑब्वियसली इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू निकलते हैं, तो उनको जो है भर्ती करना सबसे पहला यूपीएससी का काम है। इसके अलावा भी 2-3 फॉर्म्स और है, तो मुझे लगता है जो मेरी पर्सनल राय जो है वो ये है कि आपका एग्जाम जो है ये अक्टूबर तक जो है जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी लास्ट वीडियो हमने इसके ऊपर 4 मई को बनाई थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उस टाइम पे आपके 30 से 35,000 केसेस थे, ठीक है। आज जो है आपका 20 मई हुआ है, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर, 15-16 दिन के अंदर जो है आपका 1 लाख से ज्यादा केस जो है हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 गुना केसेस जो है बढ़ चुके हैं और अभी केस और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेली अब जो है 5-5, 6-6 हजार केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो आपका नोटिफिकेशन जो है मेरे हिसाब से जो है जून के अंदर तो नहीं आने वाला है, बाकी देखते हैं क्या रहता है यूपीएससी का डिसीजन। 5 तारीख को, जुलाई जून की 5 तारीख को जो है सिविल सर्विसेज के ऊपर जो है आपका डिसीजन आएगा। हो सकता है सीएपीएफ के ऊपर भी कोई डिसीजन दिया जाए उस टाइम पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से सीएपीएफ का एग्जाम जो है किस महीने में होगा, ठीक है। किस महीने में यानी किस मंथ में होगा, 2020 में होगा तो कौन से महीने में होगा, मुझे बताइए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सभी की सभी सीएपीएफ एग्जाम की अपडेट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दी जाती है, एंड दिस चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Go and check it out. Thank you so much.